ने देश भर के कॉलेज और विश्वविद्यालयों में अंतिम वर्ष की परीक्षा कराए जाने के यूजीसी के सर्कुलर को सही बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारें खुद से परीक्षा कराने का फैसला नहीं ले सकती हैं। राज्य सरकारें यूजीसी की अनुमति के बिना छात्रों को प्रमोट भी नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन राज्यों को परीक्षा कराने में दिक्कत है वो यूजीसी के पास परीक्षा टालने की अर्जी दे सकते हैं। यूजीसी ने विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों में स्नातक और पीजी कोर्स के अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 30 सितंबर तक कराने का निर्देश दिया था। नीट जेईई की परीक्षाएं टालने की मांग के साथ कांग्रेस पार्टी ने आज देश भर में प्रदर्शन किया। दिल्ली में जनपथ पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस के छात्र संगठन ने भी प्रदर्शन किया है। नीट और जेईई की परीक्षाएं रद्द करने की मांग को लेकर 6 राज्यों के मंत्रियों ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। 17 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने नीट और जेईई की परीक्षाओं पर रोक लगाने से इनकार किया था। पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड और महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्रियों ने संयुक्त रूप से याचिका दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नीट जेईई परीक्षा कराए जाने का समर्थन किया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यूपी में 9 अगस्त को बीएड की परीक्षा हुई थी जिसमें 5 लाख छात्र शामिल हुए थे, लेकिन किसी को भी कोरोना नहीं हुआ।